99.9% जर्म्स मारता है, 0.1 कोई नहीं मार पाया आज तक. आई मीन या तो आप फिट हो या आप नहीं हो. पर एक बात भी सच है, शोएब इसको बिल्कुल सहमति करेंगे कि ना फास्ट बॉलर्स की तो बात आप लिख के ले लो, कोई फास्ट बॉलर आज तक किसी मैच में 100% फिट होके नहीं खेला है. कहीं ना कहीं छोटा निगल इधर कुछ परेशानी वो तो रहने वाली है. अगर आप अंतरराष्ट्रीय कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं तो वो आपके साथ है, वो चोली दामन का साथ है, उसको आप नहीं छोड़ सकते. शुभमन की कहानी बड़ी अलग है, लेकिन शुभमन चोटिल नहीं है, उनको डेंगू था. अब डेंगू से उभरने के बाद आई मीन मुझे कभी नहीं हुआ है, टचवुड हो भी ना, तो अब कितनी दिक्कत होती है, प्लेटलेट काउंट का क्या कहानी है, वो एक चीज जरूर ध्यान में देने वाली बात है. पर वो ना तो मैंने डिसाइड करना है, ना वो एक्चुअली आपने, वो मेडिकल स्टाफ ने डिसाइड करना हो. तो उसमें तो प्लेयर से भी नहीं शायद पूछते होंगे कि भाई तुझे कैसा लग रहा है. सी चोट में तो ना फिर भी पूछ लेंगे कि शोएब ने अगर बैक पकड़ रखी है तो कहेंगे शोएब से जाके कि या शोएब कल डाल देगा 10 ओवर, खेलना है तो यू लीव इट टू शोएब कि भाई शोएब कर लेगा. लेकिन जब ये वाली कंडीशन हो कि भी बुखार है, डेंगू है, कुछ और हो गया, मलेरिया हो गया, तो फिर आप कहते हो यार जो मेडिकल स्टाफ ने डिसाइड किया है भाई मुझसे बेहतर मेरे शरीर के बारे में तुम्हें पता है. एक सवाल है आपसे, लेकिन अब डेंगू में रिकवर करते हुए ना आपको कमजोरी तो फील होगी. अब उन्होंने 100 ओवर फील्डिंग करनी है और अगर वो लंबा भी खेलते हैं, लंबे रन करते हैं, तो लेट्स से कि वो 100 करते हैं कल, एक बात कर रहा हूँ यार, यह भी देखना होगा कि वो क्या उनके अंदर इतनी ताकत है. ये ना हो ना कि आपके रिजवान बने हो वो क्रैम्प से. लेकिन रिजवान भाई तो एक्टिंग कर रहे थे, वो बता तो रहे थे, शुभमन को तो असल में हुआ. थोड़ी बहुत वो करता है थोड़ा बहुत तो मैंने पता क्यों करता है, वो थक जाता है. वो इतना बड़ा यूनिट है नहीं, अगर आप उसको देखें ना, वो इतना बड़ा है नहीं. वो 50 ओवर कीपिंग करता है ना, जब वो फिर अपना वो टाइम लेता है बीच में. मैंने तो 2 साल पहले पकड़ लिया था उसको, लेकिन आपको अभी समझ आ रहा है रिजवान का सच. बिल्कुल. लेकिन टॉस की यहाँ पर बात हो रही है, हमें ग्राउंड की थोड़ी सी चीजें पता चली कि भाई हमने ड्यू का भी पता चल गया, शोएब भाई का जो बड़ा सवाल था. आकाश भाई लगातार ये कह रहे हैं कि इस स्टेडियम में अंडर लाइट्स कुछ होता है बॉल को. यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आकाश से. आकाश अगर टॉस जीतते हैं, लेट्स से इंडिया विंस द टॉस, नब्बे दर इन माइंड कि शाम को बल्ले पे बॉल मजे का आ रहा है, न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, बॉल आ रहा है टका टका के आराम से, व्हाट वुड यू डू एज इंडियन? मैं एक्चुअली बैटिंग कर लूंगा, शेवी में बैटिंग करूंगा, बैटिंग करके, क्योंकि बैटिंग में दोपहर को बैटिंग होने वाली है आसान, इसमें कोई डाउट नहीं, को बहुत ज्यादा बॉल फंस के आने वाला नहीं है. और अच्छी पिच है ये, इसके ऊपर अगर आपने 300 बना दिए, 300 सवा 300 के मैच में मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच हुआ हो किसी भी वर्ल्ड कप में कि जहां 250 भी आराम से चेज हो गए हो. आई मीन 260-270 चेज करने में ना जान यहां पे रहती है, क्योंकि पाकिस्तान है सामने या इंडिया है सामने. और ऐसे में सेकंड इनिंग्स अंडर लाइट्स, थोड़ी सी बॉल हरकत करे, 2 शुरू में आपने आउट कर दिया अगर, तो मतलब इंडिया पे भी दबाव पड़ेगा अगर ऐसा होता है. पाकिस्तान पे हमसे शायद 2 गुना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो फिर भी चलो केएल राहुल आएगा, उसका हार्दिक पांड्या नंबर 5-6 पे बैटिंग करने आता है. यहाँ पे तो पाकिस्तान के जो वैसे जो परेशानी है, जो मसले हैं, वो और ज्यादा आप उभार के ला सकते हैं. पर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हालांकि कपिल भाई कह रहे थे पैनिक नहीं फील कर रहे आप लोग कि यार हम शुभमन गिल को ले आए ताकि टीम को और स्ट्रॉन्ग कर दें, तो मुझे लग रहा है पैनिक कि यार पाकिस्तान के खिलाफ ना बेस्ट अवेलेबल टीम उतारी जाए. थोड़ा मुझे पैनिक लग रहा है यार, खिलाए ना खिलाए, पैनिक नहीं कर रहे, वो कह रहे जो अवेलेबल है अच्छा उसको खिला लो यार, क्या फर्क पड़ता है. शुभमन गिल तो हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर है, वो डेंगू की वजह से बाहर थे, इस वजह से वो अंदर आ रहे हैं. जो आप बात कर रहे हो कि फखर जमान को ड्रॉप करके वापस लेकर आना चाहिए, मुझे तो लगता है वो पैनिक है शोएब भाई. वो मुझे लगता है यार हमें चैंपियंस ट्रॉफी रिपीट करनी पड़ेगी, आपको दोबारा छोड़ दिया जाए. कल 1-0 है, कल 1-0 है. मैं आपके तीनों के नाम मैंने पूरे पूरे अता पता और शजरा निकाल लिया तुम लोगों का, तुम कहां से आए हो, कहां पैदा हुए, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं कल मैच. अच्छा शोएब भाई, फिर ये बताओ कि आप वो वाला स्टेटमेंट कब दे रहे हो कि ये मैच जीतना खाला जी का घर नहीं है. ये बात तो है यार, ये मैच दोनों के लिए मुश्किल है यार, खाला जी का वासी घर नहीं है वैसे यार. ये एक्चुअली यू नो, मैं तुम्हें दिल की बात बताऊं, अब वो लफ्ज यूज नहीं कर सकते टीवी पे, तब की अंदर से ना वो तो ये टाइम ऐसा है कि हम सारे फंसे हुए हैं. आप अभी जरा हल्का से डर रहे हैं यार कि 3 आउट हो गए फिर क्या होगा, ये ना हो गई शाम को अगर हम स्विंग हो गया, पाकिस्तान ने अगर 350 कर लिया शाम को हम क्या करेंगे. सारे एज पे बैठे हैं, जितने मर्जी सिंगर बुला लो, जितने मर्जी बड़ी, देखो वर्ल्ड कप तो कल से स्टार्ट हो रहा है जी. बात मानो ना मानो, वर्ल्ड कप तो कल से स्टार्ट हो,
ठीक है ना, मैं होता तो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान ही कराता, क्योंकि इतने जितने पैसे मैं लगा रहा हूँ वर्ल्ड कप पे, $3 billion इंडिया कमाएगा इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ। तो मैं पहला मैच तो इंडिया का पाकिस्तान कराता, ताकि यार ये जो मुसीबत है सर से उतारते हैं यार, और जीते हारे फिर अगले 8-9 मैचेस के बाद में मिलेंगे यार सेमीफाइनल में फाइनल में, वो बीच में फंसाया हुआ मैच, बिल्कुल फंस गए हम। तो आई बिलीव के देखें दोनों ही फंसे हुए, जो मर्जी कह लें प्रेशर का अंत इंतहा है, और दूसरा चीज सरमनियां होती है ना, जो गाने वाने ये जो खत्म नहीं होते ना, जब बंदे का प्रेशर बना ही रहता है, और मुका यार तो अपना गाना मैं बॉलिंग में पहला बॉल करूं, मेरा बल्ले में बॉल लगे, तभी ना लव अरे जी, तो यार जल्दी गा भाई, आज जरूरत नहीं तेरी, हम फंसे पूरी दुनिया के दो कौमें बड़ी कौमें फंसे नहीं आपस में। तो बट यू नो इट्स अगेन हाइप अप तो करना है इस टूर्नामेंट को, और यू नो ये वो मैच है जिसपे पूरी दुनिया नजर रखी हुई है, और आयुष आकाश भाई आई एम श्योर जी, आपने आकाश भाई से सवाल पूछा था कि टॉस अगर इंडिया जीती है तो क्या करना चाहिए, आपका क्या कहना है इस चीज पर, ये भी हम जानना चाहते हैं कि टॉस जीतकर दिलेरी वाला फैसला बताऊं